तो आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 12 से होगा। सबको आगे स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ क्या बोला देखो, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाता है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ए बी सी पी क्यू आर, तुम लोग भी साथ साथ डायग्राम बनाते जाओ, और इसको साइड में नहीं बनाना है, ऊपर ही बनाओ। ये नंबर 12। अब देखो इसमें एक मीडियन है ए डी, इसमें एक मीडियम है पी एम। अब बताओ ऑल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फर्क है, किसी को मालूम है? ऑल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फर्क है? गलत मीडियम 90 डिग्री होता जवाब। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ट्रायंगल को इक्वली डिवाइड करता है। हम बताते रहो, एक ट्रायंगल है, वेट, ये एक ट्रायंगल है। जब हम बोलेगा इसमें ऑल्टीट्यूड बनाओ, ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री होता है, तो हम ऐसा बनाएगा, हाँ या ना? कोई डाउट? तो ये जो ए डी है ये क्या मीडियम ऑल्टीट्यूड है, कोई डाउट? सबको क्लियर? हाँ जब मीडियन बोलेगा ना, याद रखना मीडियन इस पॉइंट ए से तो बनेगा, पर थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि थर्ड साइड का मिड पॉइंट में बनेगा। इसको अगर ई नाम देता है, इसको बी, इसको सी, तो ए ई इज द मीडियन प्रोवाइडेड ई इज द मिड पॉइंट, मतलब बी ई इक्वल टू सी। तो मीडियन का मतलब मिड पॉइंट में काटना, कोई डाउट? क्लियर? हाँ पक्का? हाँ भैया, थर्ड वाला डायग्राम भी बनाना है क्या? हाँ नहीं बनाना है, वो समझाने के लिए बोला, जब मीडियन और ऑल्टीट्यूड में क्या फर्क है, कोई डाउट? नहीं बता सके भैया, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होता है? ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब तुम मीडियन बनाएगा, तुमको पता चलेगा वो मीडियन ही ऑल्टीट्यूड है, ठीक है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम है। अगर तुम ऑल्टीट्यूड बना रहा, मतलब ये मीडियन भी है, मिड पॉइंट है, याद रखना ये चीज़, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बोला हुआ है जो ए डी इज द ऑल्टीट्यूड, इसका मतलब ये भी है जो ए डी इज द मीडियन, कोई डाउट? क्लियर रहेगा? हाँ भैया, तो ध्यान रखना, चेक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है। व्हाट अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होता है? इसका जवाब भी हाँ है। इवन ये एंकल बाइसेक्टर भी हो जाता है, ठीक है? ओके हाँ तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों के लिए ट्रू है। चलो फिलहाल इससे हमको मतलब नहीं है, ये सब छोटा छोटा चीज सर्कल में या कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, जब यूज होगा तब हम दोबारा रिपीट करेगा, ये टेंशन मतलब। पर ऑल्टीट्यूड सॉरी और मीडियन, ये दो का मीनिंग में क्लियर रखना। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, मीडियन मतलब मिड पॉइंट में काटना, कोई डाउट? डब्ल्यू गिवन लिखो, ए डी एंड पी एम आर डी मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली।
और मीडियन का मतलब क्या होता है, वही कहानी जो एंगल बाइसेक्टर में हम लोग किया था। हम ये लिख सकता है कि हाफ बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी, कोई डाउट कर सकता है, हाँ या फिर मैं इसमें लिख सकता है बी सी इक्वल टू ट्वाइस बी डी इक्वल टू ट्वाइस सी डी, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना, कुछ भी यूज बिल्कुल कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम हाफ वाला फॉर्मेट में लिखते हैं। एंड सेम कहानी हाफ क्यू आर इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू आर एम, कोई डाउट? चेक कर लो, इसको हम कंबाइनली ऐसे ब्रैकेट, जब हम ब्रैकेट दे रहा है इसका मतलब ये है कंबाइनली वन नाम दे रहा है। अगर ब्रैकेट नहीं देगा मतलब सिंपली ये वाला वन है, ये वाला नहीं है, पर जब हम थर्ड सेकंड ब्रैकेट डाल दिया मतलब दोनों को मिला के वन बोल रहे हैं, कोई डाउट? तो इसको इक्वेशन वन नाम दे रहे हैं। एक बार देख लो किसी को यहाँ तक डाउट। और एक चीज क्या गिवन है, और एक चीज गिवन है बता सकेगा? ऑल्सो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल, बोला नहीं बोला है? चेक करो, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, हाँ या ना? होता है, बस हाँ तो लिखो। चलो ऑल्सो क्या दिया हुआ है, ए बी बाय पी क्यू, बी सी था क्यू आर के साथ, बी सी बाय क्यू आर और मीडियन यानी कि ए डी बाई पी एम, ये क्वेश्चन में गिवेन है। देख लो यहाँ तक, देखो कोई डाउट है क्या? यहाँ तक देख लो कोई डाउट है क्या? चेक कर लो एक बार, ठीक है? ठीक ओके, अब हाँ तुम लिखना मत, अब खाली ऑब्जर्व करो। हाँ तुम ऑब्जर्व करो, हमको क्या दिखाना है, बड़ा ट्रायंगल सिमिलर यानी कि ए बी सी सिमिलर टू, क्या दिखाना है, पी क्यू आर, ये दो सिमिलर दिखाने के लिए तुम ऑब्जर्व करेगा ऑलरेडी ये दो साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, हाँ या ना? हाँ ये दो ट्रायंगल में ए डी और पी एम इस ट्रायंगल का साइड का पार्ट नहीं है, अंदर है पर साइड का हिस्सा नहीं है, तो ऑब्जर्व करेगा देखो ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर है, तुमको ऑलरेडी दो साइड का रेशियो इक्वल मिल गया। अगर तुम किसी तरह एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल दिखा देता है तुम बाई साइड एंगल साइड, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल देगा, हाँ तब तुम्हारा एम किया हुआ तुमको एंगल बी और एंगल क्यू सिमिलर दिखाना है और बहुत आसानी से दिख जाएगा, कोई बात नहीं। चलो इसको नाम दे दो नंबर टू, तो लिखो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, ये 5 मार्क का याद रखना, ये 5 मार्क में आता है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूफ। टू इम्प्लाइज, हम टू का इस्तेमाल करेगा, हाँ टू इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, हम इसका इस्तेमाल करेगा, कैसे करेगा देखो, अब
अब हम लोग बीसी और क्यूआर में ऊपर नीचे हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, या फिर तुम बी सी का जगह क्या लिख सकता है, ट्वाइस बी डी, क्यू आर का लिख सकता है ट्वाइस क्यू एम, हाँ या ना? लिख सकता है ब्रैकेट में फ्रॉम वन, ये वन से आया, चेक कर लो, वन में देखो बी सी का जगह ट्वाइस बी डी और क्यू आर का जगह ट्वाइस क्यू एम, लिख सकता है प्राची, रजनी, कार्तिक, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया था मीडियन है। आगे बढ़े, अब देखो एक मिनट लिख लो, टू टू कट गया, क्या बचेगा देखो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम, तुम ऑब्जर्व करो डायग्राम में, ये जो तीन रेशियो निकला मेरा नया, ये कौन सा ट्रायंगल का हिस्सा है? देखो हम साइड में एक बार डायग्राम बनाया था ताकि तुमको ऊपर ना देखना पड़े, अब बताओ ये जो रेशियो निकला ये कौन सा ट्रायंगल का हिस्सा है? रेशियो देखो और पता लगाओ, बताओ, तुमको ए बी गिवन है, पी क्यू गिवन है, बी डी और क्यू एम, ए डी एंड पी एम, कौन सा ट्रायंगल का हिस्सा है? ऑब्जर्व करो डायग्राम में, ए बी डी और पी क्यू एम, किसी को कोई डाउट ये ए बी डी और पी क्यू एम का पार्ट है? देखो ए बी डी में ए बी बी डी और ए डी आता है, देखो ए बी बी डी और ए डी आ रहा है ना, ठीक है प्राची? तो ये दो छोटा छोटा ट्रायंगल में बाय साइड साइड साइड, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गया, छोटा छोटा वाला है ना, देयरफॉर बाय साइड 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, हाँ या ना? देखो चेक करो, यहाँ ऊपर ऐसे लिखना प्रूफ में, ऊपर एक लाइन लिख देना, हम उसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तुमको डायरेक्ट बोलता तो पता नहीं चलता, तो कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर लिखा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो दो ट्रायंगल में हम ये दिखा दिया जो साइड 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 सिमिलरिटी है, तो चेक करो ये दो छोटा छोटा ट्रायंगल दिखाया सिमिलर हो गया, और सिमिलर होने का वजह से हम बोल दिया जो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, कोई डाउट? हाँ या ना? तो हम लोग इसमें एसएसएस यूज नहीं कर सकते क्या पूरा में? एसएसएस तो यूज किया हम, नहीं वो तो आप लाइक उसमें है ना एबीडी और पीक्यू, बड़ा ट्रायंगल में इसलिए यूज नहीं कर सकता बिकॉज बड़ा ट्रायंगल में जो थर्ड साइड है वो ए सी और पी आर है, पर यहाँ पे तो ए डी पी एम है ना, तो कैसे लेगा हम? अगर हम एस 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 इस्तेमाल करना बड़ा ट्रायंगल में तो थर्ड साइड ए सी और पी आर चाहिए, पर है तो ए डी और पी एम, तो कैसे आ जाएगा, समझ रहे? कोई डाउट? अब मिल गया तो बस कहानी आए तो क्या, अब तो बाकी एंड आ गया, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पहला तो वो रेशियो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ये तो ऑलरेडी गिवन था, तो फ्रॉम टू, या गिवन लिखेगा तो भी मार्क्स देगा गिवन, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, और एक क्या दिखा दिया हम, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, या तो इसको थ्री नाम दे दो और लिख देना फ्रॉम थ्री, थ्री नाम नहीं देना चाहता तो लिख देना प्रूव्ड अबव, ब्रैकेट में एक ही बात है, तो बाय साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है,
देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ये और कुछ नहीं, चेक करो क्या सबको क्लियर है। एक बार देख लो, हम पॉज कर रहे हैं वीडियो। नेक्स्ट नंबर नंबर देखो 14 और इसमें क्या फर्क है बताता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, बुक है ना तुम लोगों का खुला हुआ है ना। हम मान के चल रहे सबका बुक खुला हुआ है। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, क्वेश्चन वही बोल रहा है। तुम डायग्राम सेम है, और इस बार तुम लोग पहले डायग्राम मत बनाओ, तुम लोग कुछ मत लिखना क्योंकि कंस्ट्रक्शन आने वाला है, तुम लोग कुछ लिखना मत, मेरे बाद में स्पेस नहीं बचेगा। ए पी सी फिर क्या देगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर कहानी सेम है। देखो इस बार भी ए डी मीडियन बोला है, इस बार भी पी एम मीडियन बोला है, कौन बता सकेगा क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में फर्क क्या है। हम क्वेश्चन शेयर कर देता, कोई बात नहीं, किसी के पास बुक नहीं है तो। साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी शेयरिंग ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। दिखाई दे रहा है, देखो साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, जबकि 12 में क्या था, साइड ए बी बी सी एंड ए डी था, फर्क ये बी सी और ए सी का है, हाँ या ना है? तो तुम देख सकता है जहां क्वेश्चन नंबर 12 में बी सी और क्यू आर दिया हुआ था, 14 में ये बी सी और क्यू आर नहीं देखे, ए सी और पी आर दिया है, ठीक है। तो तुम ऐसे याद रखो, जहां पे ये ए सी और पी आर है वहीं पे कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जहां बी सी और क्यू आर है वहां तो काम आसान हो गया आधा करके, जहां बी सी और क्यू आर था वहां हाफ करके काम आसान हो गया। तो क्या याद रखना है, जहां पे ए सी और पी आर है वहां तुम्हारा कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, डन। बाकी प्रूफ वही करने दिया, बड़ा दो बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो 12 और 14 क्वेश्चन सेम है, बस फर्क है रेशियो बदल दिया, जहां नंबर 12 में बी सी और क्यू आर दिया हुआ था, 14 में ए सी और पी आर दे दिया, ठीक है, ओके। अब देखो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, देखो हम ए डी को एक्सटेंड करेगा, कंस्ट्रक्शन हमेशा डैश डैश से करता है, सच दैट ई तक एक्सटेंड करेगा, सच दैट ए डी और डी बराबर है, फॉर फिर इसी को ज्वाइन कर देगा, खत्म। क्या करेगा, ए डी को एक्सटेंड करेगा सच दैट ए डी और डी इक्वल है। सिमिलरली पी एम को एक्सटेंड करो एन तक, सच दैट पी एम और एम एन इक्वल है। तो ये डायग्राम बना लो, हम लोग पहला वाला केस में ए डी को एक्सटेंड किया सच दैट ए डी और डी बराबर है, मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई एज वेल, क्योंकि क्वेश्चन में तो मीडियन दिया भाई है, वो तो है ही। और सेम कहानी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एन एज वेल, क्योंकि बी सी और क्यू आर का भी मिड पॉइंट है ये लोग, बिकॉज पहले से क्वेश्चन में बोल दिया मीडियन है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में ए ई बना दिया और पी एन बना दिया, खत्म। लिखने का तरीका वही सेम कहानी, इंट्रोडक्शन दोनों में सेम है, गिवेन ए डी एंड पी एम आर डी मीडियन ऑफ
ट्रायंगल एबीसी। डायग्राम बना ले सब लोग। एंड एक मिनट भैया। ट्रायंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। कोई बात नहीं, आराम से बनाओ। तो ए डी और पी एम मीडियन से बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का, ए बी सी एंड पी क्यू आर का। डैट इज कहानी डिटो से मैं पहला वाला, उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डैट इज क्या है? हाफ बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हाँ, एंगल बाइसेक्टर डो या साइड का बाइसेक्टर डो, मिड पॉइंट डो, ये वाला पार्ट हमेशा लिख लेना ताकि तुमको पता रहे कहाँ यूज करना है। एंड सर्कल में भी हम लोग यही करने वाला है, जब भी एंगल बाइसेक्टर कहीं बोलता हम लोग पहले ये मेंशन कर देगा कि एंगल बाइसेक्टर मतलब कौन सा आधा है, ये हमेशा मेंशन कर लेना तो यूज करने में आसानी होता है। हाफ क्यू आर इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू एम आर। और सेम कहानी, ब्रैकेट एक वन नाम देगा, ब्रैकेट देना मतलब दोनों को कंबाइंड नाम दिया। इतना उतार लो, देखो कोई डाउट है तो। डायग्राम सब बना लिया, हम स्क्रॉल करें नीचे। हाँ, ऑल्सो क्या दिया हुआ है? ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये नंबर टू, इस बार ये गिवन है, इस बार बी सी का जगह ए सी गिवन है। फिर लिखिएगा टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या बोला? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बट इस बार एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्या ऐड होगा? कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा है? ए डी एंड पी एम आर एक्सटेंडेड टू ई एंड एन रेस्पेक्टिवली सच डेट ए डी इक्वल टू डी ई एंड पी एम इक्वल टू एम एन, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या क्या ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन किया? सीई और एनआर एंड आर एन, एक ही बात है, आर ज्वाइंड। इतना खत्म, पहले इतना उतार लो। देखो जो हम लोग गिवेन और कंस्ट्रक्शन लिखा उसमें किसी को कोई डाउट? ए डी एंड पी एम ओ पी ए आर एक्सटेंडेड टू ई एंड एन रेस्पेक्टिवली सच दैट ए डी और डी बराबर है, पी एम और एम एन बराबर है। खत्म। प्रैक्टिस करना अच्छे से, बिकॉज ये एग्जाम में आता है। 12, 14 एंड 16 में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई है, पर्टिकुलरली 12 एंड 14। 5 मार्क्स का सीधा, बाकी जितना क्वेश्चन है सब 3 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में ये दो या फिर हम लोग का थ्योरम 6 बीपीटी वही प्रूफ करने आता है। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो तो हम करवाए गए, वो टेंशन लो मत। पर पहले एनसीईआरटी अच्छे से होना चाहिए, अगर एनसीईआरटी क्लियर नहीं है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ काम नहीं आने वाला, याद रखना। तो एनसीईआरटी इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो जो एग्ज़ाम का के दोबारा देखना ना पड़े, पर्टिकुलरली इनिशियल चैप्टर जो अभी कर रहा है 1, 2, 3, 5, 6 ये सब, बिकॉज सरफेस एरिया फिर ट्रिगोनोमेट्री ये सब प्रैक्टिस चाहिए बार बार। तो उसको टाइम देना है तो ये इनिशियल चैप्टर्स अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करो, यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि एग्ज़ाम का आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो चैप्टर अच्छे से हुआ हुआ है वो बस ऊपर से देखने से चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मिडिल टर्म, क्या तुम प्रैक्टिस करने बैठेगा क्या मिडिल टर्म कैसे करता है? वो तो करते करते पता चल जाता मेथड, तो
तो वो प्रैक्टिस करने वाला चीज़ नहीं है, या चैप्टर वन में HCF LCM ये सब प्रैक्टिस करने वाला चीज़ नहीं है खाली। हाँ रूट टू इज इरेशनल, किसी को वो कच्चा है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, तो वही चीज़ है। तो चैप्टर्स को ऑलमोस्ट 70% तो खत्म ही रखो अभी से ही, ताकि एग्जाम का आगे वो 30% देखने को देख सके जो तुमको लगता है तुमको देखना चाहिए। बाकी सारा टाइम ट्रिगोनोमेट्री, सरफेस एरिया ये सबको देना, एरिया रिलेटिव सर्कल्स ये सबको देना, ये सब ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए। सबको उतार ले इतना, हाँ ठीक है हम साइड में लिख के दिखाते हैं प्रूफ। प्रूफ अब देखो हम लोग पहले क्या करेगा, हाँ हम ये रब कर दें ऊपर वाला पार्ट, नीचे एक बार रब नहीं करता, रुको। अब तुमको दिखाना है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कैसे दिखाएगा हम नाम बताते हैं, तुम लोग खुद बताना कैसे दिखाएगा, कौन सा दो ट्रायंगल दिखाना है, ए डी बी एंड ई डी सी, यू दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कैसे दिखाएगा कौन बता सकेगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही होगा। एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ जाएगा, मतलब एंगल डी वाला। दूसरा और जो AD is equal to DE। चलो ये बाय कंस्ट्रक्शन आ गया, एंड तीसरा सोचो सोचो, दिया हुआ है क्वेश्चन में फ्रॉम वन, क्या BD और CD इक्वल नहीं है, अच्छा हाँ हाँ तो हाँ मीडियन दिया भाई ये, वही चीज़ है। जब पता है, चलो ये तो नोन सम है, NCERT करते करते तुमको पता चल जाएगा। हाँ एग्जाम में जब भी अननोन क्वेश्चन आता ना, गिवन देख के गिवन को दिमाग में रख लेना, जो डायग्राम में ये गिवन है, तुम अगर एक भी गिवन भूल गया ना तुम प्रूफ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जो भी एग्जाम में गिवन होता ना लिखना बाद में छोड़ो, पहले डायग्राम देखो और प्रूफ कैसे करना वो दिमाग में आना चाहिए। तो डायग्राम बनाने के बाद या डायग्राम गिवन हो तो भी गिवन क्या क्या है वो हमेशा दिमाग में रख लेना, जो डायग्राम में ये गिवन है, ताकि तुम जो भी लाना चाहता है तुम अप्रोच कर सके। तुम अगर एक भी गिवन भूल जाता ना फिर प्रूफ आएगा ही नहीं, बिकॉज होगा ही नहीं ना। तो हमेशा गिवन ध्यान रखना जब भी कोई सम कर रहा है पर्टिकुलरली। तो पहले ये दो ट्रायंगल दिखाता है, लिखो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, लिखो। क्या हुआ, लिखो इन ट्रायंगल ए डी बी, हमें कम कर डायग्राम को शिफ्ट करते रखो, डायग्राम को शिफ्ट कैसे करते हैं, था तो ऑप्शन। छोड़ो हम दोबारा डायग्राम बना रहे हैं, भैया भी बनाना है क्या? तुम लोगों ने बनाना हम बना रहे अपना सुविधा के लिए। ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, पहला एक तो ए डी इक्वल टू डी ई है, ब्रैकेट में वही लिखना बाय कंस्ट्रक्शन, दूसरा बी डी इक्वल टू सी डी है, तुम गिवेन भी लिख सकता है या फ्रॉम वन भी लिख सकता है, एंड तीसरा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, गोट आउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये फुल फॉर्म ही लिख लेना तुम लोग, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी,
हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी इस सॉरी सिमिलरिटी क्यों आएगा क्राइटेरिया या पोस्टुलेट बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है क्या उसका सारा साइड इक्वल होता है? देयरफॉर ए हाँ बी इक्वल टू सी, हमको बस इसी से मतलब है कि यही एक साइड बचा है जो इक्वल नहीं था, तो हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू सी है। कोई डाउट? भैया हाँ सीपीसी तो लिखना है क्या? ओ हाँ सॉरी वेरी गुड, यहाँ तो लिखना ही है ना सीपीसीटी बाय सीपीसीटी, ऊपर नीचे भैया नहीं जाता तो ब्रैकेट में लिख दो। हाँ कुशल बाय ऐसे एस के बाद में क्या लिखा है? क्राइटेरिया बाय क्राइटेरिया सिमिलरिटी में लिखना है, कॉन्ग्रुएंट से दिखा रहा है ना इसलिए, तो बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स क्राइटेरिया रूल आर यू एल रूल भी लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं हेंस ए बी और सी इक्वल है बाय सी पी सी टी। कोई डाउट? डन सबको? अब बता सकेगा ये वाला डायग्राम में किसको दिखाएगा कॉन्ग्रुएंट? PQM और अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा ना पी क्यू और आर एन इक्वल है, तो RMN। सिमिलरली लिखो ना बिकॉज प्रोसेस तो सेम है ना सिमिलरली। हाँ सिमिलरली ट्रायंगल वो करते नहीं थे। नहीं सिमिलरली लिखो, वी कैन शो डेट पी क्यू इक्वल टू आर एन खत्म। सिमिलरली वी कैन शो डेट पी क्यू इक्वल टू आर एन। कोई डाउट? पूरा एंटायर सिमिलर प्रोसेस है तो हम लोग को पूरा दिखाना नहीं है वो चीज़, चेक कर लो एक बार। सबको यहाँ तक डाउट है तो उतार लो, किसी को डाउट है तो पूछो और ये उतारो, हम इसको रब कर देगा क्योंकि डायग्राम हमको बार बार रेफर करना पड़ेगा इसलिए। हो जाने से वो बोलना बाय सबका हो गया। हाँ आगे बढ़ सकता है, इसको रब कर दे हम। अब देखो हाँ बस हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज है, 50% हो गया हम लोग का, चेक करना। अब टू इम्प्लाइज बता सकेगा इक्वेशन टू क्या था? ए बी बाय पी क्यू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये था इम्प्लाइज। अब चेक करो तुम ऑब्जर्व करेगा अल्टीमेटली हम लोग कर वही रहा है जो नंबर 12 में किया था। नंबर 12 में भी हम लोग बी सी को रिप्लेस किया था, यहाँ पे भी वो थर्ड साइड ए सी को ही रिप्लेस कर रहा है, बस गिवन नहीं था इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन यूज किया। तुम देख सकता है, अच्छा सॉरी हम लोग ए बी को रिप्लेस करेगा, ए बी का जगह हम लोग लिख सकता है सी क्योंकि हम इक्वल दिखा चुका सी पी सी टी से, और पी क्यू का जगह लिख सकता आर एन क्योंकि हम दिखा चुका इक्वल। कोई डाउट? लिख सकता है हाँ ए बी का जगह सी लिखा पी क्यू का जगह आर एन लिखा, ए सी को ए सी रखा पी
पी आर को पी आर रखा। अब ए डी का जगह क्या हम हाफ ए ई लिख सकता है, और पी एम का जगह हाफ पी एन लिख सकता है? चेक करो, हम बाय कंस्ट्रक्शन बोल देना मिड पॉइंट है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने बोला था ए डी और डी ई इक्वल है, तो ए डी को ए ई का आधा हाफ ए ई बोल सकता है। क्लियर? हाँ हाफ हाफ कट गया, अब क्या बचा? देखो सी ई बाय आर एन इक्वल ए सी बाय पी आर इक्वल ए ई बाय पी एन। अब बता सकेगा ये कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है? ये जो तीन रेशियो मिला, ये तीन रेशियो कौन सा ट्रायंगल का हिस्सा है? देखो सी ई ए सी ए ई यानी कि ट्रायंगल ए सी, तो बाय साइड 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 सिमिलरिटी। हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ए सी और ट्रायंगल पी आर एन सिमिलर है, हाँ या ना? ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन, कोई डाउट है ना? चेक कर लो, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल आर पी एन? हम कौन सा एंगल बता रहे हैं? बता रहा है, ये थोड़ा प्रैक्टिस चाहिएगा, याद रखना ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना? ठीक है, देखो सी ए ई एन आर पी एन ये तो इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर था। डन, इतना सब लोग उतार लिया? हाँ भैया। इसको नाम दे दो आई थिंक थ्री, तुम ऑब्जर्व करेगा हम लोग एक्चुअली शिफ्ट कर रहे हैं एंगल ए का तरफ और एंगल बी का तरफ, सॉरी पी का तरफ। क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं, देखो हाँ हम रीजन बताते हैं। क्या ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको ए बी बाय पी क्यू इक्वल ए सी बाय पी आर है ना? हाँ। तो अगर बीच का एंगल एंगल ए और एंगल पी ये इक्वल दिखा देता है, क्या बड़ा ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएगा? होगा, बस हम एंगल ए का तरफ जा रहा है और तुम देख सकता आधा एंगल ए इक्वल हो चुका है ना? लेफ्ट राइट वाला पार्ट एंगल ए हो चुका है और एंगल पी हो चुका है इक्वल, अब जस्ट लेफ्ट वाला पार्ट दिखाना है। लेफ्ट वाला पार्ट भी सेम तरीका से ही दिखाएगा, कैसे क्या करेगा? बीई और क्यू एन को ज्वाइन करेगा और सेम कहानी रिपीट होगा या नहीं होगा? ये दो बड़ा ट्रायंगल का सिमिलरिटी, तो सिंस सेम कहानी रिपीट हो रहा है तो बस खत्म ना, सिमिलरली तुमको दिखाना नहीं है। सिमिलरली वी कैन शो दैट, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट अदर हाफ क्या होगा, देखो एंगल ये होगा क्यू पी एन इस तरफ का एंगल बी ए ई नंबर फोर, तुम चेक कर सकते हो ये मेरा आधा हाफ है बी ए ई और क्यू पी एन, चेक कर लो।
अब कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा, तुम लिखना। थ्री प्लस फोर करो। क्या मिलेगा जब सी ए ई और बी ए ई प्लस करेगा, ये बन जाएगा एंगल ए, और जब आर पी एन और क्यू पी एन प्लस करेगा, ये बन जाएगा एंगल पी। ठीक है ना? सो देयर फॉर, अब बस आई गया कहानी, प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पहला ये तो पता ही है, ए बी बाय पी क्यू इक्वल ए सी बाय पी आर, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। और दूसरा क्या दिखा दे तुम, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ब्रैकेट में लिख दो प्रूफ्ड अबव या प्रूफ्ड। सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। थोड़ा बड़ा है पर प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आता ही है। हैंस प्रूफ्ड। इतना उतार लो, देखो कोई डाउट है क्या। तो ग्रीन कलर से ऑरेंज कर दिया हम, देखो बी ए ई और क्यू पी एन इक्वल है, थ्री प्लस फोर किया तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल आ गया, फिर जो ट्रायंगल प्रूफ करना था वो ले लिया, खत्म। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, एंगल तुम इक्वल दिखा दिया, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए तुम लोग को, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नंबर 16 आओ, 16 टफ नहीं है, 12 का उल्टा है, चेक करो। 16 नंबर जस्ट कन्वर्स है। क्या बोला, ए डी एंड पी एम अगर मीडियन होता है, और ये दो ट्रायंगल इस बार सिमिलर गिवन है, तो हमको दिखाना ये दो रेशियो इक्वल है। नंबर 12 में ये रेशियो इक्वल गिवन था और हम लोगों को सिमिलर दिखाना था, जस्ट उल्टा है। डायग्राम डिट टू सेम है, बनाओ। नंबर 16, इसमें भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, टेंशन मत लो। ए बी सी पी क्यू आर, ए डी पी एम लिखो, क्या गिवन है बताओ। ए डी एन पी एम आर डा मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, सो देयर फोर क्या बोलेगा, हाफ पी सी इक्वल टू पी डी इक्वल टू सी डी, हाफ क्यू आर इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू एम आर। ये नंबर वन इंट्रोडक्शन तुम देखेगा हर जगह सेम है, कुछ अलग नहीं है। उतार लो इंट्रोडक्शन। लिख लिया सब लोग? कोई मिनट भैया, तो बात नहीं,
हमको क्या दिखानी दे, देखो हमको दिखानी दे जे ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ऑब्वियस सा बात है, अगर ये दो रेशियो इक्वल दिखाने दिया है तो ऑब्वियस सा बात है क्या ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएगा हम, हाँ भैया, बस ये हाँ दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। और सिमिलर एकदम जैसा हम लोग ट्वेल्व में क्या था वही करना है, कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है। चलो पहले लिख लेता है ऑल्सो, और एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, दो ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये नंबर टू, ठीक है। डन, टू प्रूफ ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम, बस वही दो ट्रायंगल में आंसर आ जाएगा। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल पी एम क्यू, पहला वो तो टू इन प्लस ही आने वाला है, तो टू से ही ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर से। ओबियसली ए सी हाँ सी, भैया, हाँ आप एडीसी लिख रहे थे, एबीसी नहीं हो? नहीं, हम छोटा ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएगा ना, वही तो बोला हम। तुम देखो हमको ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम निकालना है, ये तो छोटा ट्रायंगल में है ना। देखो ये छोटा ट्रायंगल का रेशियो है नहीं, है तो अगर हमको ये रेशियो चाहिए तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होना पड़ेगा ना। तेरे को ए डी बी एंड पी एम क्यू, हाँ इसलिए वो दो ट्रायंगल लिया सिमिलर दिखाने के लिए। अच्छा ए डी बी होगा ना ये, सॉरी। अब ठीक है, हाँ इम्प्लाइज तुम चेक करो ए बी बाय पी क्यू, क्या हो रहा है पेन को, ये करो बी सी का जगह हम हाफ पी डी, सॉरी ट्वाइस पी डी एंड बाई ट्वाइस क्यू एम लिख सकता है, वही मीडियन है, ठीक है ना। फ्रॉम वन तुम लिखा, टू टू कट गया तो क्या बन गया, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। और दूसरा क्या मिलेगा, तुम दूसरा ऑब्जर्व करेगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, क्यों, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल्स, सॉरी तो दो ट्रायंगल सिमिलर है इसी वजह से एंगल बी को एंगल क्यू, को डाउट। नहीं अब तुम देख सकता है, ऑब्वियस बात है दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल मिल गया तो बाई साइड एंगल साइड दोनों सिमिलर नहीं हुआ, सो देयरफॉर बाय, अच्छा पेन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा मेरा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल, क्या नाम दिया था, ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू, सो हेंस रेशियो आ जाएगा
ए बी बाय ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम, खत्म। यही प्रूफ था। अब बस तुम लोगों को ये तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, उतार लो और देखो यहाँ तक कोई डाउट है क्या। इसी के साथ ट्रायंगल का एक्सरसाइज खत्म, बट अभी एक की पॉइंट बताना बाकी है, पहले ये कर लो, उतार लो पहले। अब यहाँ से हमको दो चीज देखने को मिलता है, ये जो 12, 16 या 11 का जो क्वेश्चन है, क्या देखने को मिलता है देखो। हाँ नोट बोल के लिखना, नोट हम डायग्राम भी बनाया था ताकि आसानी हो। ए पी सी ए डी ए सॉरी पी क्यू आर एम। तो अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं देखो, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये तो था ही, पर हम लोग ये भी बोल सकते थे इक्वल टू मीडियन का रेशियो, हाँ या ना, बोल सकता है इक्वल टू पेरीमीटर का भी रेशियो होता है, इक्वल टू पेरीमीटर ए बी सी बाय पेरीमीटर पी क्यू आर। ये नोट कर लो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, साथ साथ वो मेडियन के साथ भी इक्वल है, और साथ साथ वो दो ट्रायंगल का पेरीमीटर के बराबर भी इक्वल है। ऐसा क्यों हम तुमको बता देता है, देखो क्यों पेरीमीटर के बराबर, ये भी हम तुमको रीजन बताता है एग्जाम्पल के साथ। अच्छा बताओ, अगर 1/2 इक्वल टू 2/4 होता है, नहीं होता है, आया ना, क्या 1/2 इक्वल टू 2/4 होता है? हाँ। अभी काम को 1+2 करो, कितना होता है? 2+4 कितना होता है? 6। क्या इक्वल है? हाँ। है ना, तो मतलब जब प्लस कर लिया तो इक्वल आ रहा है, तो क्या ए बी बी सी प्लस ए सी और पी क्यू क्यू आर और पी आर को प्लस करने से इक्वल नहीं आएगा? आएगा ही ना, आएगा। प्लस ही तो पेरीमीटर होता है, ठीक है, गुड आउट, ओके। हाँ अब एग्जाम में कैसे देगा क्वेश्चन, देखो एक तो बोलेगा जब पेरीमीटर का रेशियो 2:4 है, सॉरी 1:3 है, तो बताओ साइड का रेशियो कितना होगा, तो क्या होगा आंसर? अगर पेरीमीटर का रेशियो 1:3 है तो साइड का रेशियो क्या होगा? 1:3 सेम ही होगा, कोई डाउट? दूसरा क्या बोलेगा देखो, हाँ क्वेश्चन बोल देगा जब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 6 साइड का रेशियो 1:3 है तो फाइंड पी क्यू आर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3 इक्वल टू पेरीमीटर 6 बाय पेरीमीटर पी क्यू आर, हाँ या ना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी क्यू आर का 18 नहीं आ जाएगा? सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे ही लिखना है, सीन सी डॉट एंगल सिमिलर है दैट्स व्हाई ये इक्वल है, सारा साइड्स मत लेना, कोई भी एक साइड ले लेना जो भी क्वेश्चन में बोला है। कभी मीडियन का रेशियो बोलेगा तो मीडियन का रेशियो भी उतना ही है, मीडियन का लेंथ पूछ सकता है, इनडायरेक्टली बोल रहा है दो साइड दो मीडियन और दो पेरीमीटर में से कोई तीन पार्ट गिवन होगा, चौथा निकालने देगा, तो यही इस्तेमाल करना है, और ज़्यादातर ये एमसीक्यू में आता है, मैंडेटरी क्वेश्चन है, आता है, तुमको किसी ना किसी रीजन का किसी ना किसी सेट में मिलेगा ही, ये कन्फर्म है, ये एमसीक्यू में मिलेगा ही, ये कन्फर्म क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ। और सिमिलरिटी से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है जो हम इसी में दिखा देते हैं,
इसी क्वेश्चन में। मान लो कहाँ गया क्वेश्चन, मान लो ये ट्रायंगल है, क्वेश्चन में बोला है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ओके, और तुमको ये रेशियो गिवन है, ठीक है। अब बोलेगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए कौन सा एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, और चार ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक ऑप्शन ये है। तो हम लोग वही देखेगा कि ए बी और ए सी में कॉमन एंगल ए है, पी क्यू और पी आर में कॉमन एंगल पी है, कोई डाउट? ठीक है ना। कभी कभी तुमको रेशियो गिवन भैया बोलेगा, से बोलेगा कौन क्वेश्चन बोल देगा जो ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, ठीक है, ओके। हाँ भैया। और ये रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब पूछेगा जो साइड एंगल ठीक साइड है अगर सिमिलरिटी यूज करना है कौन सा एंगल इक्वल दिखाएगा, तो ऑब्वियस बात है कॉमन एंगल, ए बी और ए सी में कॉमन ए है, पी क्यू और पी आर में कॉमन पी है, नाम में ही दिख रहा है पी पी है ना। और कभी कभी क्या करेगा साइड का हाँ रेशियो दे देगा, और ऑप्शन में चार ट्रायंगल का नाम दे देगा, बोलेगा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे कि एक ये दे देगा, दूसरा इसी में चेंज ला देगा ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज नेमिंग मैटर करता हम बता दिया है। तो याद रखना वो ट्रायंगल में कौन सा साइड का रेशियो गिवन है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग हम जब टेस्ट लेगा उसमें एमसीक्यू में तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई डाउट? इतना तक ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, उस दिन एक एमसीक्यू टेस्ट में एक एमसीक्यू था जो सभी ने गलत किया है, गलत पीडीएफ खोल लिया। पीडीएफ का नाम क्या था रे? नंबर फोर, सब गलत किया ये। हमको इतना पता है जब पी वन जीरो आता है, तो जब तुम एक्स का जगह वन बिठाएगा तो ए माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ए का वैल्यू क्या आया, जीरो, हाँ या ना आया। आया और सबने क्या ऑप्शन थे, क्या ऑप्शन है, बट तुमने ये ध्यान नहीं दिया क्या कभी भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जीरो होता है? होता है, तो नहीं। अगर तुमको पता ही है ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे जीरो के अलावा कोई वैल्यू निकला भी नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? ये छोटे ये सब चीजें जहाँ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आ जाता है, कोई भी चीज जल्दबाजी में अटेम्प्ट मत करो, जैसे एक बार ध्यान दे देना क्या बोला है। हाईएस्ट पावर हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो जब भी हाईएस्ट पावर में कोई ए बी सी आ जाता है दिमाग में बैठा लो ए का वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो ऐसे चला गया। हाँ ये हो सकता रहा, बट यहाँ पे हमको ए का कोई और वैल्यू मिला ही नहीं है, जीरो ही आया सिर्फ, पर जीरो हो नहीं सकता, सो डज नॉट एग्जिस्ट, कोई डाउट? क्लियर? बाकी सब क्वेश्चन सबने राइट किया है। और हाँ हम फिर से बोलते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये ए इंटू ए इंटू ए इस तरह से सॉल्व करना अवॉइड करो, हम सबका मार्क्स काटा है, स्पेशली कृष्णा एंड प्राची। ये तुम इसमें भी यही किया, टू इंटू टू इंटू टू, ये अवॉइड करो। एच सी एफ मतलब स्मॉलेस्ट पावर, एल सी एम मतलब हाईएस्ट पावर, वही प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है कृष्णा प्राची? ठीक है ना, हाँ भैया। ठीक है, चलो मैथ्स इतना ही, आज सोशल निकाल लो।